महोली कोतवाली इलाके के मूड़ा हुसा में खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ की गला रेत कर हत्या। आपको बता दें कि महोली कोतवाली इलाके के ग्राम मूड़ा हुसा निवासी रामचंद्र वर्मा पुत्र केशव वर्मा शुक्रवार को रात्रि 9 बजे के करीब पाल्हापुर गांव के समीप अपने खेत में लगे धान की फसल की रखवाली करने के लिए गया था। बताया जाता है कि शनिवार की सुबह 8 बजे के करीब उसका गला रेता हुआ शव खेत के समीप करौंदी गांव मोड़ पर बरामद हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी पाकर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महेंद्र प्रताप सिंह, सीओ सदर यतेंद्र सिंह नागर, महोली इंस्पेक्टर ब्रजेश मिश्रा एवं क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने वारदात स्थल पर मौजूद साक्ष्यों को संकलित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का वातावरण पैदा हो गया है। दूसरी तरफ मृतक की बेटियों ने पाल्हापुर के एक युवक पर घर से बुला ले जाने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महोली कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का वातावरण पैदा हो गया है। वहीं परिवार में कोहराम की स्थिति बनी हुई है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लाया रहा पापा के डर लग रहा है तो भैया के लेके गए ना अकेले हम कहीं ना जाए तो भैया के लेके गए भैया से हम लौटी वापस आए तो हम कहा कर रहे हैं तो कहीं हम सुने ना आए दूर रहा पापा से कुछ कहीं ना। बेटा ये कौन व्यक्ति है जो आपके पापा को ले गया? कहाँ के रहने वाले? क्या आपके पंकज और आपके पापा की कोई क्या कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, प्यार से बुलाए ना फोन करके पापा गए ना पापा कोई ऐसी शंका ना रहा भैया से आतम को भैया दूर खड़ा कर दें कहीं अकेले माँ वो मिले हुआ है वहाँ से पापा आए तो पापा दारू पी रहे कुछ पूछे ना सुबह पूछे पापा से सुबह वही ना है शाम कहीं आप फोन फिर आओ 9 बजे का टाइम कहीं अपने पापा के भेज दो। हाँ जी तो पापा वहाँ गए यहाँ से तो कुछ भी ना हुआ रहा ना कोई बात नहीं। तो क्या लगता है कि जिसको आरोप लगा रहे वही एक व्यक्ति है? तो फोन तो उसी ने किया रहा है पापा भी रहे बुलाया तो वही रहा है और हम किसी का जाने